हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज तो सारा दिन क्या व्हाट्सएप, क्या ट्विटर, क्या मैसेंजर, हर एक पे यही मैसेजेस आते रहे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई हो। महिलाएं ही महिलाएं हर जगह छाई हुई थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक दिन ही काफ़ी है महिलाओं के लिए? क्या एक दिन ही नियत करना ज़रूरी है महिलाओं के लिए? नहीं, मैं सोचती ऐसा नहीं है। हम महिलाएं सारे घर को संभालती हैं और उस घर को संभालने में ही एक सोसाइटी को संभालने की जिम्मेवारी भी हम लोग संभाल रहे हैं। तो जो महिला एक पूरी सोसाइटी को संभाल रही है, सोसाइटी को बनाने में पूरा योगदान दे रही है, उसके लिए कोई एक दिन ही नियत नहीं किया जा सकता। उसके लिए, उसका सम्मान करने के लिए तो हर दिन एक महिला दिवस है। सबसे पहली बात, हम महिलाओं को ही महिलाओं की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए जो कि शायद हम लोग नहीं दे पाते हैं। कभी एक सास के रूप में, कभी एक माँ के रूप में, कभी एक बेटी के रूप में। जो टीनेजर बेटियाँ हैं कई बार अपनी माँओं के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर जाती हैं, माँ की बात को समझती नहीं हैं और उन्हें लगता है कि ये बेवजह ही रोक टोक कर रही हैं। तो ये तो रोज़ ही करने वाली बात है। हम सबको, यानी कि सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी, पिता को, बेटे को, पति को, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पर नारियों का सम्मान होगा वहाँ तो देवतुल्य ही वातावरण मिलेगा हमको, जैसे स्वर्ग में रह रही हैं। यानी कि जब एक नया महिला जो घर को अच्छी तरह से संभाल रही है, देश को अच्छी तरह से एक अच्छा समाज दे रही है, अच्छे नागरिकों का निर्माण कर रही है और उसका सम्मान होता है, तो वो खुशी खुशी कहीं और ज़्यादा अच्छा योगदान देगी इस समाज में। तो इसके लिए हम सभी को अपना अपना कर्तव्य निभाना होगा, चाहे वो मैं हूँ, आप हों, या कोई भी हो। तो इसके लिए हमारे पुरुष समाज को भी ये सोचना होगा कि नारी जो है वो भी एक इंसान है, जैसे एक पुरुष इंसान है। उसी माँ से बेटा जन्म लेता है, उसी माँ से बेटी जन्म लेती है, लेकिन बेटी को शुरू से ही ये समझाया जाता है कि तुम्हें पापा की बात माननी है, तुम्हें भाई की बात माननी है, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें पति की बात माननी है, और जब बेटा हो जाएगा तो बेटे की बात माननी है, इसी में तुम्हारी भलाई है। बहुत अच्छी बात है, बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जहाँ वो बड़ी है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। अगर वो छोटी है उसको प्यार मिलना चाहिए, और तभी खुशी खुशी ये नारियाँ सारे समाज को एक अच्छा समाज बनाने में योगदान देंगी। और जो नारियाँ हैं, जो हम स्त्रियाँ हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम स्त्रियों को सम्मान दें। एक माँ ही कई बार डिस्क्रिमिनेशन कर जाती है, बेटे को ज़्यादा प्यार करती है, बेटी को उतना प्यार नहीं करती। बेटी को बार बार समझाती है, तुम लड़की हो, तुम घर में बैठो, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कल को शादी ब्याह होगा, अपने पति के घर जाओगी, वहीं जाके करना जो करना है, घूमना फिरना, आगे पढ़ना, या तुम नौकरी करना चाहती हो अगर वो चाहेंगे तब करना। तो ये सब हम लोग बहुत गलत कर जाते हैं कई बार, जो हमें नहीं करना चाहिए। शुरू से ही जब एक बच्ची जन्म लेती है तो उसको सम्मान के साथ बढ़ने का, कुसुमित होने का पूरा अवसर देना चाहिए, ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बने और सारे समाज को ही अच्छा बनाए, एक सुगंधमय वातावरण तैयार करे अपने आसपास। और वो तभी होगा जब उसको सम्मान मिलेगा। जहाँ सम्मान नहीं मिलता तो उस प्रतिशोध में कई बार बहुत कुछ गलत हो जाता है। वो ही अपना गुस्सा जाके वो अपनी बेटी पे उतारेगी, वो बेटी कल को माँ बनेगी, वो अपनी बेटी पे उतारेगी, अपनी बहू पे भी गुस्सा उतारेगी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जब उसका समय था उसके साथ ऐसा हुआ, तब तो वो भी यही करेगी। अब वो सास बनी है, पहले उसकी सास उसकी ऊपर हुक्म चलाती थी या उसकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखती थी, और अब उसका मौका आया तो मैं भी क्यों परवाह करूं। ठीक है, जो भी है, अब मैं सास हूं और अब मुझे जो है अपना पूरा रौब जमाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शुरू से ही, एक बहुत बड़ी बात है, हमें अपने बेटों को भी सही सलाह देनी चाहिए शुरू से ही। हम नारियां ही नारियों को सम्मान दिला सकती हैं। उसके लिए हमें अपने बेटों को शुरू से सिखाना चाहिए कि सब बराबर हैं, चाहे वो बहन है आपकी, चाहे बाहर की कोई और लड़की है,
तो उसके साथ भी उतने ही सम्मान से पेश आओ, और अपनी बहन के साथ भी पूरे आदर के साथ उसको प्यार से, छोटी है तो बहुत प्यार दो, बड़ी है तो उन्हें सम्मान दो। तो वो बेटे जब घर से ही सही सीख लेंगे तो वो समाज में जाके कोई गलत हरकत नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, जब ये हो जाएगा तो सारा समाज ही कितना अच्छा हो जाएगा, समाज में कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। तो हर दिन महिला दिवस होगा, और जब महिलाएं और पुरुष मिलजुल के एक स्वस्थ सुंदर समाज को आगे बढ़ाएंगे तो वो समाज कितना अच्छा होगा, हम सबके लिए रहने के लिए देवतुल्य हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, यानी कि सारा ही समाज देवतुल्य हो जाएगा और सभी जो हैं खुशी खुशी रह पाएंगे। तो हम सभी को मिलकर आज के दिन ये सोचना चाहिए कि हम सब ने अपना अपना कर्तव्य निभाना है समाज को अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो कोई एक दिन नियत करने की ज़रूरत नहीं है नारियों का सम्मान करने के लिए, हर दिन है, हर दिन नारियाँ आपके सामने आती हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं, वो माँ के रूप में हो सकती हैं, बहन के रूप में हो सकती हैं, बेटी के रूप में हो सकती हैं, यहाँ तक कि घर में जो आंटी काम करने आती हैं उनके रूप में भी हो सकती हैं। जब वो आपके घर आती हैं तो वो अगर वो आपको नमस्ते करती हैं तो आप भी प्यार से नमस्ते कीजिए, नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी, या नमस्ते बेटा, कैसे हो, घर में सब ठीक है। तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये आंटी मेरे से कितना अच्छा बात करती है, ये दीदी मेरे से कितना अच्छा बात करती है, या ये भैया मेरे साथ कितने अच्छे से बात करते हैं। तो उसके मन में जो रेस्पेक्ट आएगी तो आपके लिए भी वो अच्छे से अच्छे ही करेगी, आगे से आपके घर में काम भी अच्छे से करेगी, दिल लगा के करेगी। ऐसे अगर स्कूल में हैं आप अपने टीचर के साथ अच्छी तरह से बात कीजिए, टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छी तरह से बात कीजिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ प्यार से पेश आइए, उन्हें भी सिखाइए कि सबके साथ अच्छे से रहना है। तो यही सबसे बड़ी बात होगी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ऐसे यही बातें हम करते रहेंगे, तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी अपने वीडियो को, और फिर हम किसी और नई चीज़ के बारे में बात करेंगे कल को। एक मैं नया वीडियो तैयार कर रही हूँ, जल्दी आपके लिए मैं भेजूँगी। तो अगर आपको मेरी जो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।